जैसे ये कंडक्टर है ना, इस हाँ जो इस पे कोई चार्ज दे दिया, ठीक है, इस पे कोई चार्ज दे दिया क्यू, तो हमने देखा था इसका पोटेंशियल क्या निकल के आया था, इसका पोटेंशियल कितना था सरफेस पे, पोटेंशियल कितना आया था के क्यू बाय आर। तो जो पोटेंशियल होता है वो सीधा सीधा क्यू के प्रोपोर्शनल है, के क्यू बाय आर। चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, दिख रहा है? तो जो इस पे जो पोटेंशियल आएगा, दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। हाँ, तो पोटेंशियल सीधा सीधा चार्ज के प्रोपोर्शनल है ना, ये समझ में आ रहा है? ये भी बोल सकते हैं चार्ज इज प्रोपोर्शनल पोटेंशियल, पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल या चार्ज पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। क्या कहलाता है ये? कैपेसिटी। तो इस केस में बताओ कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है बताओ, क्वेश्चन को दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल, देखो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल। तो कितनी आएगी भाई इस केस में कैपेसिटी अपनी आ जाएगी, कैपेसिटी अपनी होती है क्यू बाय वी। तो क्यू, क्यू तो क्यू है, पोटेंशियल अभी पता है अपने पढ़ाया क्या होता है, के क्यू बाय आर, और के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए कैपेसिटी क्या है, 4π εr, है ना? तो एक आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी होती है 4π εr। क्लियर है वाली चीज? देखो तो जब एक अकेला कंडक्टर होता है, जब सिंगल कंडक्टर है, यहाँ पे एक ही तो एक ही स्फीयर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। अभी आगे जाके दो आ जाएंगे तो हम इसी को क्या बोलने लगेंगे, कैपेसिटेंस। सेम ही चीज है ना, अगर एक कंडक्टर है तो क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, इसकी जगह दो आ जाएंगे तो बोलेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटी क्लियर है? कभी आ जाए पूछ लेना, कैपेसिटी को कई बार कैपेसिटेंस भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? अभी आइडिया क्या दे रहा है, बता क्या रहा है, कोई बता सकता है? इसको देख के बताओ किस चीज़ का आइडिया दे रहा है, ये बता क्या रहा है, क्यों जबरदस्ती डिफाइन कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, चार्ज कूलम पर वोल्ट, ना कूलम पर वोल्ट, तो किस चीज़ का आइडिया दे रहा है तुमको, पर यूनिट वोल्ट कितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं, ये तुमको आइडिया देता है डिवाइस का कि उसकी कैपेसिटी कितनी है कि ये किसी भी डिवाइस के, किसी भी कंडक्टर के उस एबिलिटी का आइडिया देता है कि वो कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है पर यूनिट वोल्ट। देखो तो दिखने में तो लग रहा है कि कैपेसिटी तुम्हारी क्यू या और वी पे डिपेंड कर रही है, पर असलियत में देखो वो डिपेंड नहीं कर रही, ना तो वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है ना ही वो वोल्ट पे। 4π εr तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गए, आर क्या है, रेडियस। तो कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, उसके शेप पे, उसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है, उसकी साइज पे डिपेंड कर रही है। मतलब स्फीयर की जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उसकी चार्ज स्टोर करने की उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी। तो कैपेसिटेंस आइडिया समझ में आ रहा है, सेम कैपेसिटी भी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, सेम आइडिया देते हैं। क्या बोलते हैं, पर यूनिट वोल्ट, यूनिट क्या होगा इसका बताओ, यूनिट क्या होगा, कूलम पर वोल्ट। तो क्या आइडिया दे रही है, पर यूनिट वोल्ट आप कितना कूलम चार्ज स्टोर कर सकते हो, और वो चीज ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना पोटेंशियल पे, किस पे डिपेंड करी, रेडियस। अभी अपन अलग अलग केस में देखेंगे किस पे डिपेंड करती है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। समझ आया पहले कैपेसिटेंस का मतलब, समझ आ रहा है कैपेसिटेंस या कैपेसिटी का? ये तुम्हें आइडिया देता है कि कोई भी बॉडी कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है पर यूनिट वोल्ट, ठीक है। और कूलम पर वोल्ट के लिए अब हमने एक नया यूनिट डिफाइन कर दिया है, कूलम पर वोल्ट, सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैराड। चलो जल्दी से बता दो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बता दो क्या है फैराड का डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का या कैपेसिटी का, फैराड, 1 फैराड इज 1 कूलम पर वोल्ट। बताओ जल्दी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन तो सबको आते होंगे भाई, एक ही बता रहा, डायमेंशन बहुत आसान चीज है और क्वेश्चन आ जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं पर आते हैं क्वेश्चन डायमेंशन में से, जेई मेंस में आते हैं, जेई एडवांस में आते हैं क्वेश्चन। फिर से बोलो, एम बस सही बोल रहे हैं, चल निकालते हैं, चल जो भी निकालते हैं ना, कूलम पर वोल्ट निकालते हैं, करें तो कूलम पर वोल्ट क्या होता है बताओ, अरे ये तो खुद से होना चाहिए भाई, एम्पियर सेकंड कूलम ही होता है, वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं, एक तो है ना, पोटेंशियल नहीं क्या होता था, वी इक्वल टू ई इंटू डी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में नहीं लिखते हैं,
एनर्जी के टर्म में लिख लो ना, एनर्जी होता है क्यू इंटू वी, तो वोल्ट क्या हो गया, जूल पर कूलम, तुमने गलत करा है ना। इसको अगर कूलम लिख रहे हैं, वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, तो ये क्या आया, कूलम स्क्वायर बाई जूल आया। अब कूलम को तुम लिख सकते हो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, जूल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, तो फोर्स क्या होता है तुम्हारा न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, जूल को तुम लिख सकते हो न्यूटन मीटर, और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या है तुम्हारा एम्पियर स्क्वायर सेकंड पावर फोर डिवाइडेड बाई किलोग्राम इंटू एम स्क्वायर, देखो ये आ रहा है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना तुम्हारा, एम माइनस वन एल माइनस टू टी माइनस फोर, नहीं टी फोर, टी फोर और ए, देखो किसी को डाउट हो तो और चेक कर लो एक बार सही करा अपन ने, ऐसा कोई है जिसको डायमेंशन में डाउट है या डायमेंशन निकालना नहीं आता, पूछ लो अभी भाई, और डायमेंशन में कुछ भी डाउट होता है कहीं भी किसी भी स्टेप में, तो ये गलत लिखा है तुमने, पता नहीं क्या निकाला था ये। तो हमें डायमेंशन निकाले, फॉर्मूले सोचे होते भाई, इसका फॉर्मूला वोल्ट क्या था, हमने सोचा अच्छा अच्छा हाँ वोल्ट तो भाई क्या दिख रहा है, जूल पर कूलम दिख रहा है, रख दिया, कूलम एम्पियर इंटू सेकंड है, जूल क्या था भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन क्या था भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, कूलम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रखते चले जाते हैं वैसे वैसे, नहीं कोई डाउट, क्लियर है? अरे भाई क्लियर है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो, कुछ तो बोलो, पक्का आ गया, पता नहीं बोला बेइज्जती करते हैं, नहीं करता ना, नहीं करी ना कभी, ये एटीट्यूड होना चाहिए, और फिर मैं बेइज्जती खूब करूँगा, बड़े आगे बढ़े, ठीक है। तो सिंगल कंडक्टर के केस में क्या कहलाती है, कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालना आ गया। अब इसकी जगह अगर दो कंडक्टर कर दें तो फिर क्या होगा, चलो देखते हैं।